आदेश जय श्री बोले सभी को। आशा करता हूँ महादेव रुद्र की कृपा आप सभी पर बनी रहे। दोस्तों आज मैं आप लोगों को आपके ही कार्य हेतु जो भी आपके दुश्मन होते हैं या जो भी आपके सगे संबंधी होते हैं या कोई भी आपका दोस्त है या फिर कोई आपकी सहेली है या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिससे आप उसके काफ़ी क्लोज रहते हैं, पर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ परिस्थितियों में वो आपके खिलाफ हो जाते हैं, वो आपके विरोध में हो जाते हैं, आपसे बातचीत करना बंद कर देते हैं, आपकी बात मानना बंद कर देते हैं। तो दोस्तों ये जो प्रयोग मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये सिर्फ एक रात का प्रयोग है और एक ही बार का प्रयोग है। इसको कर देने मात्र से ही जो सामने वाले व्यक्ति के लिए आपने ये प्रयोग किया होगा तो वो प्रयोग 100 नहीं 101% सक्सेसफुल रहेगा और वो व्यक्ति आपके वश में हो जाएगा और आपके काबू में हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जय श्री बोले सभी को। तो दोस्तों बात करते हैं कि ये वशीकरण प्रयोग जो है ये काबू करने वाला प्रयोग है। ये एक ऐसा मान के चलिए प्रयोग है कि ये अमावस्या वाली रात में सिर्फ एक दिन आपको ये प्रयोग में करना है और जो ये क्रिया होगी मात्र आधे घंटे की होगी और ये आधे घंटे के अंदर अंदर ये प्रयोग आप अपने सक्सेसफुल कर सकते हैं बिना किसी व्यक्ति के, बिना किसी साधक के, बिना किसी तांत्रिक के मदद लिए। तो दोस्तों समझ लीजिए क्या है कैसा है। तो दोस्तों ये जो आप लोगों को स्क्रीन पे मंत्र दिख रहा होगा ये एक मुसलमानी मंत्र है, इसको आप याद कर लीजिएगा। और अब ये आप लोगों को एक नक्श दिख रहा होगा, एक यंत्र दिख रहा होगा, तो ये आप लोगों को एक मतलब इसको देख करके समझ लेना है कैसे क्या बनाना है। फिर इसके बाद आपको अमावस्या जिस दिन पड़े, जैसे कि 23 तारीख को अमावस्या पड़ रही है, तो आप लोगों को करना क्या है कि रात को 8 या 9 बजे के बाद सन्नाटे में आपको शमशान चले जाना है। ज़्यादा अंदर मत जाइएगा, एक दो लोग साथ में हों तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आप एक नई ईंट लेकर के जाइएगा या फिर जो आपका जो दोस्त हो या फिर जो भी आपका परिवारजन हो, जो भी आपका या फिर हस्बैंड हो या वाइफ हो और वो आपका कहा नहीं मान रही हो या फिर वो दूसरे लोगों के चक्कर में आकर के आपसे विरोध कर रहे हो, तो उनका या फिर आप पहना हुआ कपड़ा ले जा सकते हैं या फिर आप एक ईट ईट वो ब्रिक होती है तो ब्रिक को ले जा करके बिल्कुल एक नए स्केच पेन से आपको करना क्या है कि जो ये मंत्र मैंने लिख रखा है, जो स्क्रीन पे आप लोगों को ये दिख रहा होगा मंत्र, इसको आपको उसी ब्रिक पे साफ साफ लिख लेना है और इस मंत्र को आपको 7 बार लिखना है। ऐसा लिखिएगा कि जो अभी यंत्र बनाने के लिए जगह आगे छूट जाए, तो आपको उस मंत्र को 7 बार लिख लेना है। 7 बार के बाद नीचे लिखना है इस व्यक्ति का नाम, फिर को मेरे काबू में कर, ये नीचे लिख देना है आपको। फिर आपको नीचे यंत्र बनाना है, जो यंत्र आप लोगों को ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो इस यंत्र में नीचे देखिए आप ध्यान से कि एक डैश बॉक्स बना हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि अमुक को वश में कर, मेरे वश में, मेरे काबू में कर। तो अमुक की अमुक का नाम की जगह उस व्यक्ति का नाम आएगा, उसकी माँ का नाम आएगा, फिर को, फिर आपका नाम आएगा, आपकी माँ का नाम आएगा, के वश में या के काबू में कर। तो ये आपको यंत्र बना लेना है। और याद रखिएगा दोस्तों कि जो शमशान का कोयला होता है उस शमशान के कोयले से ही जो राख जल रही होती है, तो उसमें से आप डंडे से निकाल करके एक लकड़ी का कोयला निकाल लीजिएगा और उसको पेंसिल की तरह बना करके उसको साफ साफ आप उसी से ही यंत्र और मंत्र को लिख लीजिएगा। लिखने के बाद दोस्तों क्या करना है, अगर कपड़े पे आप लिख रहे हो तो कपड़े पे भी इसी तरीके से आपको पूरी क्रिया कर लेनी है। फिर उस वहाँ पर धूपबत्ती जलानी है शमशान देवता के नाम से, और शमशान देवता के नाम से उसमें धूपबत्ती भी दिखा देनी है ईंट में और या फिर उस कपड़े में। दिखाने के बाद आपको वहाँ पर चारों कोनों में, जैसे कि ईंट होगी तो ऊपर नीचे दाएं बाएं दूर दूर लौंग कपूर रख करके जला देना है, या कपड़ा होगा तो चारों ओर आपको लौंग कपूर लगा करके जग देना है। उसके बाद आपको वही मंत्र पढ़ना है जो ये मंत्र लिखा हुआ था स्क्रीन पर, इस मंत्र को आपको पढ़ते हुए जाना है और जब तक कपूर बुझ ना जाए तब तक आपको ये मंत्र पढ़ते रहना है। पढ़ने के बाद आपको करना क्या है कि वहीं पर गड्ढा खोद करके आपको इसी ईंट को या कपड़े में, ठीक, जो
जो हीट होगा या कपड़ा होगा, तो उस कपड़े को, या अगर कपड़ा करेंगे तो उसको पन्नी में आप रैप कर लीजिएगा, वरना वो कपड़ा सड़ के खराब हो जाएगा और जल्दी उसका असर खत्म हो जाएगा। तो उसको पन्नी में कर करके, और जो ईंट है तो ईंट को आप एक पन्नी में कर करके, क्योंकि उसकी अगर स्याही मिट जाएगी, मतलब जो उसकी लिखावट है मिट जाएगी, तो वो असर कम हो जाएगा। तो उसको आप लोग फिर औंधे मुंह, मतलब कि जो यंत्र बना होगा उसको जमीन की तरफ रख करके आपको गड्ढा भर देना है। फिर ऊपर गड्ढे के ही आपको एक नीकू मंत्र पढ़ते हुए ही काटना है। मंत्र आप कंटिन्यू पढ़ते जाएंगे पूरी क्रिया में, तो मंत्र को पूरा कंठस्थ कर लीजिएगा। फिर उसको नींबू आपको काट देना है, नींबू के ऊपर आपको एक कपूर रख के जला देना है मंत्र पढ़ते हुए। फिर आपको एक देसी शराब का पौवा लेना है और वही धार बना करके वहीं पर डालना चालू करना है। ध्यान रखिएगा वो कपूर न बुझ पाए, और थोड़ा सा साइड में हल्का सा उसको डालते रहिएगा, उसी जहाँ पे गड्ढा है उसी के साइड में ही धीरे धीरे धार बना के डालते रहिएगा। और बोलना है आपको कि जिसको आपको अपने मन में मन मुताबिक वशीभूत करना है, या फिर अपने मुताबिक उसके कहाँ मनवाना है, या फिर आपको उसको से अपना काम निकलवाना है, तो उसके लिए आपको बोलना है कि शमशान की समझ सकती हूँ से मैं आह्वान करके निवेदन करता हूँ कि ये जो व्यक्ति है ये इसका इसमें मेरे से उसको काबू में करो और मेरा कहा माने और मेरे कहने पे चले। तो ये दोस्तों आप लोगों को प्रयोग कर लेना है, और यकीन मानिए दोस्तों ये प्रयोग एक ही बार का है, और इस क्रिया में ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लगता है, और आधे घंटे में आपका ये प्रयोग हो जाएगा। और ये प्रमाणित प्रयोग है, सटीक प्रयोग है, अगर एक बार कर देंगे तो लाइफ लॉन्ग के लिए ये काम असर कर जाएगा। तो आशा करता हूँ जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तब तक के लिए जय श्री बोले आदेश।